फ्रेंड्स, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अमन द एक्सपेरिमेंट में। आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं हम एक दिवाली के लिए डिस्को बल्ब। जैसे कि आपको पता है दिवाली आने वाली है और उस समय ज़रा थोड़ा सा इन चीज़ों की डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। मार्केट में एक डिस्को बल्ब कितने का है? 100 रुपीज़ तक का है। हम बनाएंगे इस खराब LED बल्ब से इस डिस्को बल्ब। इसके लिए हमको चाहिए एक खराब LED बल्ब की बॉडी, कुछ इस प्रकार की RGB LEDs, क्योंकि मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, ये RGB LED है। एक ड्राइवर चाहिए 5 वोल्ट का, जो इसको AC से DC में कन्वर्ट करके इसको ग्लो करेगा, और एक PVC शीट जो इसके ऊपर हम एक प्लेट लगाने का काम करेंगे। तो फटाफट से क्या करते हैं, हम इस सब सामान को साइड करते हैं, इस बॉडी में जो डाया है इसका जो व्यास है वो नाप लेते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं इसको मिड में सेट करने की कोशिश करूँ तो समथिंग 60 mm इसका डाया आ रहा है। तो 60 mm का एक सर्किल काट लेते हैं हम इस PVC शीट पर। वीडियो बने रहे, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड देख रहे हैं आप, ये चंदा मामा कट हो चुके हैं छोटे से। अंदर हमने एक और सर्किल लिया है हल्का सा। क्या करेंगे यहाँ पर, हम जो मार्किंग करेंगे वो हम करेंगे बल्ब की। तो यहाँ पर हम LED लगाएंगे चारों तरफ इस सर्किल के। तो फटाफट से यहाँ पर बल्ब की डायमेंशन के हम पार्टीशन कर लेते हैं और होल कर लेते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने इस पे 8 भाग कर लिए हैं और 8 जगह हमने 2-2 होल कर दिए हैं। इसमें एक तरफ बल्ब का प्लस जाएगा और एक तरफ बल्ब का माइनस जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर तो वैसे अगर मेरी इसकी जो लैग है वो कटी हुई है, वरना इसमें जो बड़ी वाली लैग होती है वो प्लस होता है और जो छोटी वाली लैग होती है वो माइनस होता है। जैसे कि आप इस बल्ब में देख सकते हैं, ये बड़ी वाली प्लस है, छोटी वाली माइनस नेगेटिव है। लेकिन अगर मैंने लैग कट कर रखी तब कैसे पहचानना है, आप जरा ध्यान से इसके अंदर देखिए। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाए। इसके अंदर आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक अंदर देखिए ग्लास के अंदर, एक बड़ा और छोटा है। जो छोटा, सॉरी, बड़ा वाला जो फ्लैग की तरह है वो माइनस है और ये छोटा वाला जो है ये प्लस है। अब इन सभी LEDs को इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसमें 8 LEDs को फिक्स कर लिया है बहुत ही अच्छे से, और देखिए पीछे इस तरह इसकी लेग्स को फोल्ड कर दिया है। यहाँ आप ध्यान रखना है, मैंने जो भी प्लस पॉइंट है इसका, उसको मैंने अंदर की तरफ रखा है और माइनस पॉइंट को बाहर की तरफ। यानी कि अगर मैं इस तरफ देखूँ तो ये जो सारे पॉइंट्स अंदर वाले हैं ये प्लस हैं। इन सभी को सोल्डर कर लेंगे आपस में और माइनस वालों को सभी को सोल्डर कर लेंगे। तब हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट बचेंगे, एक प्लस एक माइनस, जो सीधा ही ड्राइवर के पॉजिटिव और निगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से सोल्डरिंग का काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने किस तरह से इसको सोल्डर कर लिया है, और यहाँ आपको दोनों वायर ब्लू दिखाई दे रही होंगी। मेरे पास कोई वायर नहीं था, एक थोड़ा डार्क है एक थोड़ा हल्का है। ये हल्का वाला जो है ये है हमारे पास नेगेटिव, और ये जो अंदर वाला वायर रखा है ये है हमारे पास पॉजिटिव। अभी मैं आपको एक बार इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ यहीं पर, उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए मैं यूज़ करूँगा 18650 लैपटॉप लिथियम आयन बैटरी। ये बैटरी आपको किस तरह मिलेगी इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए, अभी जब हम इसको बॉडी के अंदर फिक्स कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फटाफट से आइए इसको फिक्स करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से AC वोल्टेज मिलेगा इस ड्राइवर को। ये 5 वोल्ट का ड्राइवर है जो मैंने पुराने मोबाइल चार्जर से निकाला है। ये यहाँ पर आया AC, और अब यहाँ से आउटपुट मिलेगा DC, जो कि DC का ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव। इसी तरह हमने जो यह प्लेट तैयार करी है इसका पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर, चलिए कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स सर्किल कंप्लीट होता है, 220 वोल्टेज AC और आउटपुट आ गया DC। इसको इसके अंदर रख के हम इस प्लेट को बंद कर देंगे और ऊपर से डिफ्यूज़र लगा देंगे, और इस डिफ्यूज़र में भी यहाँ पे हम थोड़े से सोल्डिंग आयरन की हेल्प से होल कर देंगे। लेकिन डर इस बात का है, अगर ये इसके अंदर यहाँ कहीं एल्युमिनियम बॉडी पर टच हुआ तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए। उसको रोकने के लिए हम इसको इस पेपर टेप से कवर करें। देखा आपने, पेपर टेप से हमने सर्किट को कवर कर लिया है। कवर करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता फ्रेंड्स, इस बल्ब के अंदर ही शॉर्ट सर्किट होकर दिवाली बन जाती धमाकों से। अब इसको इसके अंदर पैक कर देते हैं। फ्रेंड्स ये इसमें हमने प्लेट को फिक्स कर दिया है इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से, और इसमें हमने सोल्डिंग आयरन की हेल्प से होल कर लिए हैं और थोड़ा सा उसको फिनिशिंग कर लिया है।
अभी फिनिशिंग थोड़ी सी बाकी है, पहले मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, उसके बाद में कर लेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, फटाफट से इसको यहाँ पे इसमें पैक करते हैं, इसका लॉक। इसको थोड़ा हम साफ कर लेंगे रिमूवर की हेल्प से, और आइए इसको टेस्टिंग करते हैं। चल, ये हमने लगाया और ये फ्रेंड देख सकते हैं। अभी हम रूम की लाइट बंद करके आपको इसका नाइट मोड दिखाते हैं, आगे देखते हैं कैसा होता है। वॉल पे लगे हुए होल्डर में इसको हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छी अच्छी और वीडियो देखने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमने बाकी वीडियोस का लिंक दे रखा है और हम वहाँ पे उन वीडियो का मजा भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।